नमस्कार जय श्री कृष्णा मैं राकेश शिवानी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और जैसा कि आप लोगों को विदित है कि हमने एक नई सीरीज चलाई है ज्योतिष ज्ञान के नाम से जिसमें बेसिक से एडवांस एस्ट्रोलॉजी तक हम लोग पढ़ाएंगे तो अगर आप सारी क्लास अटेंड करेंगे सारी क्लास अटेंड करेंगे तो कोई राय नहीं है इसके अंदर या कोई दो राय इसमें नहीं है कि आप अच्छे सफल ज्योतिष पढ़ेंगे खैर आगे चलते हैं और आज जैसे पिछले क्लास के अंदर हमने बताया था कि दसवें और ग्यारहवें भाव से क्या देखते हैं तो आज हम लोग देखेंगे कि बारहवें भाव से क्या देखते हैं और कौन से भाव शुभ भाव होते हैं और कौन से भाव अशुभ भाव होते हैं कुंडली के अंदर उसका भी पता करना बहुत जरूरी है तो समय वेस्ट ना करते हुए चलते हैं प्रेजेंटेशन पे और मैं ये स्क्रीन शेयर कर लेता हूं ये प्रेजेंटेशन आपके सामने है इसमें दिखाया गया है बारहवा भाव के बारहवें भाव से आप क्या क्या देख सकते हैं तो बारहवें भाव से आप क्या क्या देख सकते हैं बारवा भाव अगर एक शब्द में कहें तो व्यय का भाव होता है खर्चे हर, हर पहले भाव का शब्द क्या है तन है दूसरे भाव का शब्द धन है तीसरे भाव का शब्द पराक्रम है चौथे भाव का शब्द सुख है पांचवें भाव का सुत है सुख मीन संतान है इस तरीके से मैंने आपको बताए हैं सारे तो ये द्वादश भाव यानी द्वादश भाव जो होता है बारहवा भाव जो होता है वो व्यय का भाव होता है एक्सपेंडिचर का भाव होता है कुंडली में ट्वेल्थ भाव जो होता है और भाव कैसे गिनते हैं ये भी मैं आपको पीछे बता चुका हूं तो इसलिए आप मैं समझता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे तो बारहवें भाव से हम लोग क्या क्या देखते हैं जितने प्रकार के एक्सपेंडिचर हैं हमारे जो भी हमारे खर्चे हैं चाहे वो आवश्यक खर्चे हैं चाहे वो अनावश्यक खर्चे हैं चाहे वो हॉस्पिटल के खर्चे हैं वो सारे खर्चे हमारे बारहवें भाव से देखे जाते हैं विदेश जाना विदेश जाना ही बारहवें भाव से देखा जाता है किसी का लग्नेश अगर बारहवें भाव में हो तो हम कह सकते हैं कि वो विदेश जाए तो उसके लिए अच्छा रहेगा तो विदेश जाना भी बारहवें भाव से देखते हैं ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि हर भाव से हर भाव कोई भी भाव बुरा नहीं होता हर भाव से पॉजिटिव और नेगेटिव चीज दोनों देखी जाती है तो बारहवे भाव से ये पॉजिटिव चीज है हालांकि पुराने जमाने में विदेश जाने को नेगेटिव चीज मानते थे जो शास्त्रों में ये सब चीजें लिखी गई थी उस जमाने में विदेश जाना एक नेगेटिव चीज मानी जाती थी लेकिन आज की डेट में विदेश जाना एक बहुत पॉजिटिव चीज मानी जाती है तो वो एक जिसे कहते हैं कि ब्लैसिंग एंड डिस्गाइज बन गया है तो इसलिए विदेश का भी भाव बारहवा ही भाव है सम्मान में कमी अगर किसी इंसान के आती है तो भी बारहवें भाव की वजह से आती है हानि कोई लॉस होता है तो वो भी हम बारहवें बाप से देखते हैं कि अगर किसी का कोई लॉस हुआ है लॉस होगा या नहीं होगा वो सब चीजें बारहवीं बाप से देखी जाती हैं आदमी को मानसिक तनाव रहेगा नहीं रहेगा निद्रा ठीक से आएगी या नहीं आएगी वो भी बारहवें बाप से देखा जाता है उसका शैया सुख आदमी का शैया सुख अच्छा रहेगा नहीं रहेगा प्रॉब्लम रहेगी वो भी सब बारहवें बाप से देखते हैं उसकी चिंता कितनी चिंता उसे रहेगी क्या वो डर रहेगा क्या वो डरपोक बना रहेगा सब बारहवें भाव से देखा जाता है जेल यात्रा भी बारहवें भाव से देखी जाती है क्या किसी इंसान को जेल होगी या नहीं होगी वो भी बारहवें बाप से देखा जाता है हालांकि एक ही भाव से देख के हम लोग किसी को कह देना भाई जेल यात्रा होगी ऐसा नहीं होता है उसके लिए कई भाव एवं कई ग्रह इन्वॉल्व होते हैं बट वो चीज भी यहाँ से देखी जाती है पुनर्जन्म और मोक्ष को भी हम बारहवें भाव से ही देखते हैं जिसके बारे में हम लोग काफी बातें करते हैं वो भी मोक्ष भी हम बारह भाव से देखा जाता है पिछले जन्म जन्म के जन्म के पूर्व जो कर्म है उनका जो फल है या जो कुछ है वो सब बारहवें भाव से देखा जाता है तो ये बारह भाव तक हमारे थे टोटल इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी कुंडली में जो बारह भाव होते हैं उनमें से कौन से भाव शुभ भाव कहें जिनको अशुभ भाव कहें आल कोई भाव शुभ नहीं होता कोई अशुभ नहीं होता मैं आपसे बार बार यही बात कह रहा हूं पर फिर भी एक हम लोगों ने पैमाना बनाया हुआ है कुछ ग्रेडिंग कर रखी है उस ग्रेड के हिसाब से मैं आपको बता देता हूं। कहीं न, कहीं तो कहना ही पड़ता है ना किोण के भाव शुभ भाव है ये भाव शुभ भाव, तो भाव, भाव होते हैं तो त्रिकोण के भाव प्रथम पंचम और नवम पहला भाव पांचवा भाव और नवम भाव ये तीनों शुभ भाव कहलाते हैं इनको ए ग्रेड दिया गया है इनको बोलते हैं ए ग्रेड के भाव आप इससे कम पाएंगे हमने ग्रेडिंग कर रखी है सी ए ग्रेड बी ग्रेड सी ग्रेड डी ग्रेड तो ए ग्रेड वाले जो भाव है वो तो हमारे त्रिकोण के भाव है यानी इनमें कोई ग्रह बैठा है तो भैया ए ग्रेड के भाव में बैठा है वो तो शक्तिशाली होगा उसमें कोई डाउट नहीं है दूसरा जो भाव आता है वो आता है बी ग्रेड बी ग्रेड भाव कौन से होते हैं वो केंद्र के भाव होते हैं चौथा सातवां दसवां ये चौथा भाव है आप गिने रहे होंगे वन टू थ्री फोर ये चौथा भाव है ये सातवां भाव है ये दसवां भाव है चौथे भाव से सातवां बलि सातवें से दसवां बलि इस तरह से उत्तर उत्तर बलि होते चले जाते हैं ये भाव तो ये केंद्र के भाव इनको बी ग्रेड में लेना चाहिए मतलब बी ग्रेड में हम लोगों ने डिवाइड किया है एक जस्ट एग्जाम्पल के लिए आगे कैसे कैसे यूज होगा केंद्र भाव में बैठे ग्रह कैसा फल देंगे त्रिकोण में बैठे ग्रह कैसा फल देंगे वो सब आपको बताया जाएगा उसकी चिंता मत करो लेकिन आप सोच समझ लो थोड़ा सा ए ग्रेड त्रिकोण वाले भाव उससे थोड़ा कम डी ग्रेड जो हो गए वो आपके केंद्र के भाव हो गए उससे अगर नीचे किसी को थोड़ा दर्जा दिया जाए तो वो आपको मान सकते हैं कि दूसरा तीसरा और भाव इसको हम उससे थोड़ा नीचे का दर्जा देंगे कि भाई वो थोड़ा नीचे है उससे उन्नीस है सी ग्रेड है और सी ग्रेड से मतलब आप बिल्कुल मत समझना कि, कि किसी का सी ग्रेड आया तो बहुत अशुभ भाव है मैं आपसे बार बार वही कह रहा हूं लेकिन एक ग्रेडिंग करनी जरूरी है बताना जरूरी है कि भाई ये सबसे सुंदर ये थोड़ा कम सुंदर ये उससे थोड़ा कम सुंदर और ये उससे थोड़ा कम सुंदर तो हम कम सुंदर की बात कर रहे हैं ना कि उससे खराब उससे खराब उससे खराब की बात कर रहे हैं इसी प्रकार हमारे भाव होते हैं तीसरा छठा आठवां बारवा इसमें तीसरा हमारा गलती से लिखा आ गया छठा आठवां बारवा सिक्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन ट्वेल्व तो छह आठ और बारह भाव हमारे अशुभ भाव होते हैं इनको हम डीड देते हैं कि भाई ये सबसे सबसे कम शुभ होते हैं जैसे कहना चाहिए सबसे कम सुंदर भाव होते हैं कुंडली के अंदर आदमी चाहता है कि इन भावों में ग्रह कम से कम बैठे क्योंकि इन भावों में ग्रह बैठ के थोड़ा कमजोर हो जाता है तो ये आदमी की इच्छा होती है यही जातक की इच्छा होती है लेकिन सब चीज की अपनी कुछ ना कुछ एडवांटेज है कुछ डिसएडवांटेज हैं वो आपको आगे मालूम चलेगा जब मैं आपको आगे भावों के बारे में और ग्रह की शुभता अशुभता के बारे में पढ़ाऊंगा तो आज हम यहीं तक रखते हैं आगे हम लोग फिर दूसरी क्लास में अलग से लेंगे यहाँ तक समझ में आपके आ गया होगा कौन से भाव शुभ हैं कौन से भाव अशुभ हैं और बारह भावों से क्या देखते हैं अगर आपको अच्छा लगा हो तो काइंडली लाइक कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा शेयर कीजिएगा इसके अलावा हम लोग एडवांस टेस्ट्रोलॉजी कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं बेसिक से लेकर पूरे एडवांस तक का वो ज्वाइन कर सकते हैं फी बहुत इकोनॉमिकल है कुंडली देखते हैं हम लोग कुंडली मिलान करते हैं जो दिखाना चाहते हैं वो भी दिखा सकते हैं दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं धन्यवाद जय श्री कृष्ण नमस्कार जय श्री कृष्णा मैं राकेश शिवानी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और जैसा कि आप लोगों को विदित है

उसका भी पता करना बहुत जरूरी है तो समय वेस्ट ना करते हुए चलते हैं प्रेजेंटेशन पे और मैं ये स्क्रीन शेयर कर लेता हूं ये प्रेजेंटेशन आपके सामने है इसमें दिखाया गया है बारहवा भाव के बारहवें भाव, तो भाव से आप क्या क्या देख सकते हैं तो बारहवें भाव से आप क्या क्या देख सकते हैं बारवा भाव अगर एक शब्द में कहें तो व्यय का भाव होता है खर्चे का भाव होता है बारहवा भाव जैसे हर हर भाव का एक शब्द है जैसे मैंने पीछे आपको बताया है कि पहले भाव का शब्द क्या है तन है दूसरे भाव का शब्द धन है तीसरे भाव का शब्द पराक्रम है चौथे भाव का शब्द सुख है पांचवें भाव का सुत है सुत में संतान है इस तरीके से मैंने आपको बताए हैं सारे तो ये द्वादश भाव यानी द्वादश भाव जो होता है बारवा भाव जो होता है वो व्यय का भाव होता है एक्सपेंडिचर का भाव होता है कुंडली में ट्वेल्थ भाव जो होता है और भाव कैसे गिनते हैं ये भी मैं आपको पीछे बता चुका हूं तो इसलिए आप मैं समझता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे तो बारहवें भाव से हम लोग क्या क्या देखते हैं जितने प्रकार के एक्सपेंडिचर हैं हमारे जो भी हमारे खर्चे हैं चाहे वो आवश्यक खर्चे हैं चाहे वो अनावश्यक खर्चे हैं चाहे वो हॉस्पिटल के खर्चे हैं वो सारे खर्चे हमारे बारहवें भाव से देखे जाते हैं विदेश जाना विदेश जाना भी बारहवें भाव से देखा जाता है किसी का लग्नेश अगर बारहवें भाव में हो तो हम कह सकते हैं कि वो विदेश जाए तो उसके लिए अच्छा रहेगा तो विदेश जाना भी बारहवें भाव से देखते हैं ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि हर भाव से हर भाव कोई भी भाव बुरा नहीं होता हर भाव से पॉजिटिव और नेगेटिव चीज दोनों देखी जाती है तो बारहवें भाव से ये पॉजिटिव चीज है हालांकि पुराने जमाने में विदेश जाने को नेगेटिव चीज मानते थे जब शास्त्रों में ये सब चीजें लिखी गई थी उस जमाने में विदेश जाना एक नेगेटिव चीज मानी जाती थी लेकिन आज की डेट में विदेश जाना एक बहुत पॉजिटिव चीज मानी जाती है तो वो एक जिसे कहते हैं कि ब्लैसिंग एंड डिजाइज बन गया है तो इसलिए विदेश का भी भाव बारवा ही भाव है सम्मान में कमी अगर किसी इंसान के आती है तो भी बारहवें भाव की वजह से आती है हानि कोई लॉस होता है तो वो भी हम बारहवें भाव से देखते हैं कि अगर किसी का कोई लॉस हुआ है लॉस होगा या नहीं होगा वो सब चीजें बारहवें भाव से देखी जाती हैं आदमी को मानसिक तनाव रहेगा नहीं रहेगा निद्रा ठीक से आएगी या नहीं आएगी वो भी बारहवें बाप से देखा जाता है उसका शैया सुख आदमी का शैया सुख अच्छा रहेगा नहीं रहेगा प्रॉब्लम रहेगी वो भी सब बारहवें भाव से देखते हैं उसकी चिंता कितनी चिंता उसे रहेगी क्या वो डर रहेगा क्या वो डरपोक बना रहेगा सब बारहवें भाव से देखा जाता है जेल यात्रा भी बारहवें भाव से देखी जाती है क्या किसी इंसान को जेल होगी या नहीं होगी वो भी बारहवें भाव से देखा जाता है हालांकि एक ही भाव से देख के हम लोग किसी को कह देना कि भाई जेल यात्रा होगी ऐसा नहीं होता है उसके लिए कई भाव एवं कई ग्रह इन्वॉल्व होते हैं बट वो चीज भी यहाँ से देखी जाती है पुनर्जन्म और मोक्ष को भी हम बारहवें भाव से ही देखते हैं जिसके बारे में हम लोग काफी बातें करते हैं वो भी मोक्ष भी हम बारहवें भाव से देखा जाता है पिछले जन्म के पूर्व जन्म के जो कर्म है उनका जो फल है या जो कुछ है वो सब पांचवें भाव से देखे जाते हैं मोक्ष जो है वो बारहवें भाव से देखा जाता है तो ये बारह भाव तक हमारे थे टोटल इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी कुंडली में जो बारह भाव होते हैं उनमें से कौन से भाव शुभ भाव कहें जिनको अशुभ भाव कहें आल दो कोई भाव शुभ नहीं होता कोई अशुभ नहीं होता मैं आपसे बार बार यही बात कह रहा हूं पर फिर भी एक हम लोगों ने पैमाना बनाया हुआ है कुछ ग्रेडिंग कर रखी है उस ग्रेड के हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ कहीं ना कहीं तो कहना ही पड़ता है ना कि भाई त्रिकोण के भाव शुभ भाव है ये भाव शुभ भाव है तो कौन कौन से भाव शुभ भाव होते हैं तो त्रिकोण के भाव प्रथम पंचम और नवम पहला भाव पांचवा भाव और नवम भाव ये तीनों शुभ भाव कहलाते हैं इनको ए ग्रेड दिया गया है इनको बोलते हैं ए ग्रेड के भाव अब इससे कम पाएंगे हमने ग्रेडिंग कर रखी है सी ए ग्रेड बी ग्रेड सी ग्रेड डी ग्रेड तो ए ग्रेड वाले जो भाव हैं वो तो हमारे त्रिकोण के भाव है यानी इनमें कोई ग्रह बैठा है तो भैया ए ग्रेड के भाव में बैठा है वो तो शक्तिशाली होगा उसमें कोई डाउट नहीं है दूसरा जो भाव आता है वो आता है बी ग्रेड बी ग्रेड भाव कौन से होते हैं वो केंद्र के भाव होते हैं चौथा सातवां दसवां ये चौथा भाव है आप गिनी रहे होंगे वन टू थ्री फोर ये चौथा भाव है ये सातवां भाव है ये दसवां भाव है चौथे भाव से सातवां बलि सातवें से दसवां बलि इस तरह से उत्तर उत्तर बलि होते चले जाते हैं ये भाव तो ये केंद्र के भाव इनको बी ग्रेड में लेना चाहिए मतलब बी ग्रेड में हम लोगों ने डिवाइड किया है एक जस्ट एग्जाम्पल के लिए आगे कैसे कैसे यूज होगा केंद्र में बैठे ग्रह कैसा फल देंगे त्रिकोण में बैठे ग्रह कैसा फल देंगे वो सब आपको बताया जाएगा उसकी चिंता मत करो लेकिन आप सोच समझ लो थोड़ा सा कि ए ग्रेड त्रिकोण वाले भाव उससे थोड़ा कम बी ग्रेड जो हो गए वो आपके केंद्र के भाव हो गए उससे अगर नीचे किसी को थोड़ा दर्जा दिया जाए तो वो आपको मान सकते हैं कि दूसरा तीसरा और ग्यारहवा भाव इसको हम उससे थोड़ा नीचे का दर्जा देंगे कि भाई वो थोड़ा नीचे है उससे उन्नीस है सीगरेट है और सीगरेट से मतलब आप बिल्कुल मत समझना कि किसी का सीगरेट आया तो बहुत अशुभ भाव है मैं आपसे बार बार वही कह रहा हूं लेकिन एक ग्रेडिंग करनी जरूरी है बताना जरूरी है कि भाई ये सबसे सुंदर ये थोड़ा कम सुंदर ये उससे थोड़ा कम सुंदर और ये उससे थोड़ा कम सुंदर तो हम कम सुंदर की बात कर रहे हैं ना कि उससे खराब उससे खराब उससे खराब की बात कर रहे हैं इसी प्रकार हमारे भाव होते हैं तीसरा छठा आठवां बारवा इसमें तीसरा हमारा गलती से लिखा आ गया छठा आठवां बारवा यानी सिक्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन ट्वेल्व तो छ आठ और बारह भाव हमारे अशुभ भाव होते हैं इनको हम डिग्रेड देते हैं कि भाई ये सबसे सबसे कम शुभ होते हैं जैसे कहना चाहिए सबसे कम सुंदर भाव होते हैं कुंडली के अंदर आदमी चाहता है कि इन भावों में ग्रह कम से कम बैठे क्योंकि इन भावों में ग्रह बैठ के थोड़ा कमजोर हो जाता है तो ये आदमी की इच्छा होती है यही जातक की इच्छा होती है लेकिन सब चीज की अपनी कुछ ना कुछ एडवांटेज हैं कुछ डिसएडवांटेज हैं वो आपको आगे मालूम चलेगा जब मैं आपको आगे भावों के बारे में और ग्रह की शुभता अशुभता के बारे में पढ़ाऊंगा तो आज हम यहीं तक रखते हैं आगे हम लोग फिर दूसरी क्लास में अलग से लेंगे है यहाँ तक समझ में आपके आ गया होगा कौन से भाव शुभ हैं कौन से भाव अशुभ हैं और बारह भावों से क्या देखते हैं अगर आपको अच्छा लगा हो तो कांडली लाइक कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा शेयर कीजिएगा इसके अलावा हम लोग एडवांस एस्ट्रोलॉजी की कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं बेसिक से लेकर पूरे एडवांस तक का वो ज्वाइन कर सकते हैं फी बहुत इकोनॉमिकल है कुंडली देखते हैं हम लोग कुंडली मिलान करते हैं जो दिखाना चाहते हैं वो भी दिखा सकते हैं दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं धन्यवाद जय श्री कृष्ण